दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार मैट्रिक सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी, 12 नवंबर से होंगी शुरू। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2022 की तिथि जारी कर दी है। प्रदेश भर के सभी स्कूलों में सेंटअप परीक्षा 12 से 20 नवंबर तक ली जाएगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों को कहा है कि अपनी सुविधा अनुसार स्कूल सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा ले सकते हैं। बोर्ड द्वारा पहले 10 नवंबर से परीक्षा शुरू होने की तिथि जारी की गई थी, लेकिन 10 और 11 नवंबर को छठ पूजा और पंचायत चुनाव के कारण अब सेंटअप परीक्षा 12 नवंबर से शुरू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटअप परीक्षा होने के बाद सभी स्कूलों को सेंटअप परीक्षाओं का रिजल्ट 24 और 25 नवंबर को संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय में भेज देना है। बोर्ड की माने तो जो छात्र सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित होंगे या सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनका प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। वहीं बोर्ड की माने तो कंपार्टमेंटल अंग्रेजी में फेल या पूर्ववर्ती छात्र को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड में 1 नवंबर तक संशोधन का मौका। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों को डमी एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए 1 नवंबर तक का मौका दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से जारी सूचना के अनुसार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा था उनका डमी एडमिट कार्ड अब 1 नवंबर तक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर अपलोड रहेगा। जारी किए गए डमी एडमिट कार्ड में विद्यार्थियों के नाम, उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि में सुधार भी संबंधित विद्यालय प्रधान के माध्यम से कराया जा सकता है। वहीं जिन अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विस्तारित अवधि दिनांक 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक भरा जाएगा उनका डमी एडमिट कार्ड 29 अक्टूबर 2021 तक समिति की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। बड़ी खबर, नीतीश के सभा में हंगामा, तारापुर में युवाओं ने लगाए रोजगार दो के नारे, सीएम बोले चिल्लाने दीजिए दूसरे ने भेजे हैं। जी हां, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में हंगामा हो गया। सीएम चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तभी युवाओं ने पोस्टर लहराए, रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो जैसे नारे लगाए। युवा इसी तरह के स्लोगन लिखे कई पोस्टर लहराते रहे। इसी बीच सभा में मौजूद कई मंत्री युवाओं को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवाओं का हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के बीच नीतीश कुमार ने अपना संबोधन पूरा किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब भी कुछ बोलना चाहते थे युवा जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। हालात एक समय ऐसी हो गए थे कि पुलिस अधिकारियों को आगे आना पड़ा, लेकिन युवाओं की भीड़ के सामने पुलिस की एक न चले। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के बीच में ही कहा कि चिल्लाने दीजिए दूसरे के द्वारा भेजा गया है। अंत में नीतीश कुमार ने हंगामे के बीच अपना संबोधन को पूरा किया। बड़ी खबर, बिहार में बहुमत के आधार पर तय होगा जमीन का मालिक, पुश्तैनी भूमि के बंटवारे को बन रहा है कानून। जी हां, बहुमत के आधार पर पारिवारिक जमीन के बंटवारा के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसका प्रारूप बना रहा है। विभागीय मंत्री राम सूरत राय ने मंगलवार को बताया कि प्रारूप के संबंध में अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह तैयार होगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, पटना को जल्दी मिलेगा एक और नया बस स्टैंड, बरेया बस स्टैंड का लोड कम करने की तैयारी शुरू। जी हां, पटना को जल्द ही एक और बड़ा बस स्टैंड मिलने वाला है। इसके बनने के साथ ही पटना में लंबी दूरी की बसों के लिए 3 बस स्टैंड हो जाएंगे। हाल ही के दिनों में पटना गया बाईपास रोड में 0 माइल रामचक बरेया के पास पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को शुरू किया गया है। इस बस स्टैंड में अब एक साथ 700 से अधिक बसें खड़ी हो सकेगी। छोटे पड़ रहे बस स्टैंड को विस्तार देने के लिए सरकार की ओर से 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद पूरे बस पड़ाव को एक ही बाउंड्री के अंदर कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि मीठापुर बस स्टैंड को पूरी तरह से बंद करते हुए इसको नए बस पड़ाव परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से लंबी दूरी की कुछ बसें बाकीपुर बस पड़ाव में खुलती है। बुड़को की ओर से वर्तमान ISBT स्टैंड के अंदर
अंदर सारी सुविधाएं शीघ्र चालू करने का आश्वासन दिया गया है। नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस स्टैंड के लोड को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से दूसरे बस स्टैंड को बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने एम्स के पास ही दूसरा बस स्टैंड बनाने की सहमति दे दी है। जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरणों में है। बड़ी खबर, बिहार के 125 करोड़ छात्रों के पाठ्यक्रम में होगा बड़ा बदलाव। अब इन 4 भाषाओं की भी होगी पढ़ाई। जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में 2026 तक पहले से 12वीं कक्षा की किताबें बदल जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों के स्तर पर पाठ्यक्रम बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इनमें भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें भी होगी। 5वीं कक्षा तक मगही, भोजपुरी, अंगिका एवं बज्जिका भी पढ़ाई जाएगी। अभी पहले से 5वीं तक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली एवं बांग्ला की पढ़ाई हो रही है। नए पाठ्यक्रम और नई किताबों से 225 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। बड़ी खबर, पत्नी रंजीत रंजन ने पप्पू को कांग्रेस के मंच पर दिलाई जगह। बोले, मेरे नस नस में है कांग्रेस। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आखिरकार कांग्रेस के कंधे पर सवार हो ही गए हैं। सोनिया राहुल भले ही पप्पू यादव को भाव नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी रंजीत रंजन के साथ पप्पू यादव कल कुशेश्वरस्थान विधानसभा में आयोजित कांग्रेस की चुनावी रैली में पहुंच गए। कांग्रेस के मंच पर पप्पू को जगह मिली तो एक बगल कन्हैया बैठे और दूसरी तरफ से रंजीत रंजन कांग्रेस की चुनावी रैली में जगह मिलने से गदगद पप्पू यादव ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि उनके नस नस में कांग्रेस है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उनके खून में कांग्रेस है। सीएम नीतीश का लालू यादव पर पलटवार, मुझे गोली ही मरवा दे सबसे अच्छा होगा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नाम लिए कहा कि वे गोली ही मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा, बाकी कुछ तो नहीं कर सकते हैं, पर अगर चाहे तो गोली मरवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को उपचुनाव के प्रचार से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि लालू जी कह रहे हैं कि वो पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 24 नवंबर से एग्जाम। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड 2019-21 और डीएलएड 2022 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब अपना परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं। समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार डीएलएड फेस टू फेस 2021-22 सत्र प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर 26 अक्टूबर 2021 से अपलोड रहेंगे। अगली बड़ी खबर, पटना की हवा पर स्टडी की तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बताएगा दीपावली पर हवा कितना प्रदूषित हुई। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। जी हां, पटना की हवा पर स्टडी की तैयारी है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्टडी कर पता लगाया जाएगा कि दीपावली में हवा कितनी प्रदूषित हुई। इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने बड़ी तैयारी की है। शहर के प्रमुख स्पॉट चिन्हित करने के साथ ही स्टडी के लिए टीम लगा दी गई है। पटना शहर के 4 प्रमुख स्पॉट को स्टडी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें बोरिंग रोड क्रॉसिंग, बेल्ट्रोल भवन, प्रवेश भवन और JSI भवन कंकड़बाग शामिल है। बड़ी खबर, बिहार के पहले से 8वीं तक के 1,76,00,000 छात्रों के फायदे की खबर, फिर से मिलेगा मिड डे मील। जी हां, प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। पहले की तरह ही मेन्यू के मुताबिक प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील बनेगा और उसे गर्मा गर्म परोसा जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 13 मार्च 2019 को विद्यालय के बंद किए जाने से मिड डे मील के बदले प्रत्येक कार्य दिवस के हिसाब से बच्चों को खाद्यान्न दिया जाने लगा। भोजन पकाने के मद की राशि बच्चों के बैंक खाते में भेजी जाने लगी। मिड डे मील निदेशालय के निदेशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि 30 और 31 अक्टूबर को राजधानी पटना के अभिलेखगार सभागार में मिड डे मील के सभी प्रभारियों को विशेष परीक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें मिड डे मील स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे।
अगली बड़ी खबर, बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी हुई कम। मंत्री मंगल पांडे ने कहा 10 सालों में 23 अंकों की आई कमी। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी नवजात शिशु को सुरक्षित रखने में बिहार ने उपलब्धि हासिल की है। अब राज्य की शिशु मृत्यु दर देश की शिशु मृत्यु दर से 1 अंक कम हो गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने इस साल के अक्टूबर माह में नया बुलेटिन जारी किया है। इसके अनुसार 2019 में बिहार की शिशु मृत्यु दर घटकर 29 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है, जबकि देश की शिशु मृत्यु दर अभी 30 है। पिछले वर्ष के माह में सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक 2017 में बिहार की शिशु मृत्यु दर 35 थी, जो 2018 में घटकर 32 हुई। बिहार में 10 सालों में मृत्यु दर में 23 अंकों की कमी आई है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में बिहार की शिशु मृत्यु दर 52 थी, जो वर्ष 2019 में घटकर 29 हो गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार बीएड काउंसलिंग 2021 के स्पॉट राउंड की तारीखें घोषित, इस दिन से ले एडमिशन। जी हां, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बिहार बीएड सीटी 2021 के काउंसलिंग की तारीखें घोषित कर दी है। ये तारीखें स्पॉट राउंड एडमिशन की है। वे कैंडिडेट जो स्पॉट राउंड के माध्यम से काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। इस बाबत ऑफिशियल नोटिस LNMU की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जिसका पता है bihar-cetbed.inmu.in पर जाकर देख सकते हैं। अगली खबर, अब अरवल के HD कॉलेज में होगा इग्नू सेंटर। इग्नू इतिहास, हिंदी, समाज शास्त्र और अंग्रेजी विषय से स्नातक के साथ कई विषयों में चलेगा कार्यक्रम। जी हां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव एवं क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक डॉक्टर श्रीकांत महामात्रा के संयुक्त प्रयासों से अरवल जिला अंतर्गत SDS कॉलेज में इग्नू का एक शिक्षार्थी सहायता केंद्र के लिए इग्नू मुख्यालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इस शिक्षात्री सहायता केंद्र का कोड 05199 दिया गया है, जिसमें तत्काल इतिहास, हिंदी, समाज शास्त्र एवं अंग्रेजी विषय से स्नातक डिग्री एवं ग्राम विकास, मानव अधिकार, फंक्शनल इंग्लिश, उपभोक्ता संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। छठ की छुट्टी के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। जी हां, कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले भी तो तीसरी लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा है। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टी के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। LKG और UKG की पढ़ाई अब तक कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लासेस शुरू कर दिया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार उपचुनाव के दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीतने वाली है, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।